हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो जेई की वैकेंसी आई है उस संबंधित पूरा डिटेल से आपको हम विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो देखिए, कह रहा है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कनी अभियंता असैनिक के अस्थायी रिक्त पदों पर संविदा हेतु आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन करें। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कनी अभियंता असैनिक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अपरिहार्य विलंबता एवं विभाग के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं एवं सरकार के साथ निश्चय के सम्मिलित हर घर नल हर जल हर नल घर नल का जल के सफल संचालन के क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष स्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध एक वर्ष अथवा बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किए जाने हेतु योग्यता धारक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की वेबसाइट प्लीज सेलेक्ट पेज पर देखा जा सकता है। आवेदन हेतु लिंक की जानकारी विभागीय वेबसाइट विज्ञापन प्रकाशित होने के पूर्व दी जाएगी। विभागीय पत्र 65/1/3/2019 द्वारा कनीय अभियंता असैनिक की नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कुल 457 पदों को प्रेषित अधियाचन के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत 169 संविदा आधारित कनी अभियंता को कोटिवर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शेष 288 रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत है। कनी अभियंता 288 पद अनारक्षित 85 अनुसूचित जाति 22 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 77 पिछड़ा वर्ग 44 पिछड़े वर्ग की महिला 14 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 46 कारा की सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या दिनांक 12/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाते नातनी को 2% के क्षतिज आरक्षण सामान्य प्रशासन के संकल्प में आलोक में दिव्यांगों को 4% का आरक्षण अनुमन्य है। अब देखिए योग्यता की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी इसकी योग्यता है, यानी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अथवा यूजीसी एक्ट द्वारा के अंतर्गत स्थानीय डीम्ड यूनिवर्सिटी तो नॉन डिस्टेंस मोड में असैनिक अभियंत्रण में पदस्थ डिप्लोमा बशर्ते कि उनका डीम्ड यूनिवर्सिटी असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त किया हो। अब देखिए न्यूनतम आयु जो है 1/8/2020 को 18 वर्ष, अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जातियों के लिए 42 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प पत्र 62/5/1/2007 के आलोक में निशक्तकों को अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनी अभियंताओं को पारिश्रमिक 27,000 रुपये प्रतिमा अथवा सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग सरकार द्वारा समय समय पर अनुमान्य दरों पर भुगतान किया जाएगा। शर्तें, संविदा के आधार पर नियोजित अधिकतम एक वर्ष अथवा बिहार तकनीकी सेवा में नियमित होने तक जो भी पहले हो की जाएगी। ऐसे नियोजित कनी अभियंता सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी, इस हेतु आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। इस प्रकार के नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह के पूर्व सूचना देकर
या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी। ऐसे नियोजित कर्मी अभियंताओं को सरकार द्वारा समय समय पर संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित छुट्टियां इत्यादि देय होगा। नियोजन के पूर्व नियमानुसार आवेदक के असैनिक शल्य चिकित्सा सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। नियोजन की स्वीकृति इकरारनामा के आधार पर की जाएगी। इसके लिए संविदा पर रखे जाने के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विहित प्रपत्र का इकरारनामा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अनिवार्य है। अस्थायी रूप से डोमेसाइल प्रमाण पत्र करक पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी अंचल में अनुसूचित जनजातियों के यानी उनका जो जाति प्रमाण पत्र है। अब देखिए आरक्षण जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची एससी एसटी ओबीसी ईबीसी और डब्ल्यूबीसी और ईडब्ल्यूएस इतने प्रकार का आरक्षण यहाँ पर है। अब देखिए कि किस तरह से मेरिट बनेगी। महत्वपूर्ण ये है कि मेरिट किस तरह से बनेगी।